रफ्तार पर सवार अनुपमा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। अगर तू ये पहनेगी तो बीजू में अच्छा लगेगा, और वैसे भी है सूट बीजी ने। क्या हुआ? है क्यों है? चूड़ेगी कैसे होएगी? बहुत दर्द हो रहा है मैनू। अगर तुझे चूड़ेगी ऐसे इतनी परेशानी हो रही है तो तू निकाल दे इसे। क्या कर रहे हो? बहुत चढ़ गई आपको। वीरा का घर है, अगर किसी ने हमें इस हालत में देख लिया ना यहाँ पर भाई क्लेश हो जाना है बहुत बड़ा। और ना पिंड वालों ने ना भाई सबकी पटाई करनी है बहुत। राजी के चलो चलो भाई मेरी गाल सुनो। पिटाई बलवीर सिंह की पिटाई है, जो पिंड में होने वाले सरपंच की पिटाई, और मैं या और रब ने जिस बंदे को ना शरीर में दिमाग भी नहीं दिया होगा ना, वो भी यह गलती और गलती से भी नहीं करेगा। समझा खोतिया कार करता है। ऐसे भी मैं तो अपने होने वाले वट्टी के घर के बाहर खड़ा हूँ, सब खुश हो जाने हैं, सब खुश हो जाने हैं। हाँ देख, वो मैं लग रहा है ना वही है उसका कमरा। चलो दो कदम भी जा, चलो वो खाली कर रहे। अरे पिंड की कुड़ी। ओए वीरा देख, ओ पिंड का मर्द बुला रहा है तेनू, और नीचे और क्यों ना इंतजार कराएगी तू मैनू? हाँ देवराज जी, मैं क्या छोटे सरपंच जी खेती चलो जी। सही कह रहा है, ये लोगों ने ना जमा हो जाने और पसूड़ी पे जाएगी यहाँ पर। पागल जैसी बातें कर रहे हो, वो जूते निकाल के मारूंगा अभी। चुपचाप खड़े रहो दो कदम पीछे, साफ जी है मैंने सब कुछ। अमीरा मैं गया, अब तो तूने हद ही कर दी। मतलब मैं ही मैं हूँ, जो ध्यान रखता रहता हूँ तेरा, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, है? मैं नहीं पता, नीचे आ, अभी अभी नीचे आ, और ना मैं ऊपर आ। इसे कहते हैं आवाज में दौड़। पिंडदा शेर हूं मैं, पिंडदा शेर। और मेरी दीदी हमेशा कहती थी भाई एकदम सही कहती है। और मेरा मतलब इंसान को खुशी के मारे फूलता है, वो तो सुना था, मतलब गुस्से के मारे भी फूल जाता है, पहली बार ही देख रहा हूँ। अरे वीरा इनकी अट्टी कट्टी कैसे हो गई है? ओए कौन है उठे? पाजी ये कोई वीरा थोड़े है, ये तो पाजी उसकी साइज ही है। पाजी 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 मैं कह रहा हूँ कि भाग चलते हैं। कौन है इतनी रात को? कौन है भाई?
छोटे जन मेरे सिरे दौड़ क्यों लगा रहा? चाची आपने आपने गुंजन को देखा कि लो शादी की पहली सुबह हुई नहीं कि तूने अपनी बीवी का नाम जपना शुरू कर दिया। यहीं कहीं होगी, परेशान ना हो। और मेरी गल सुन, सारे पिंड वाले मुंह दिखाई के वास्ते आ रहे हैं, तुम दोनों छेती छेती तैयार हो जाओ, समझ गया? जा। कहीं गुंजन पीछे हो? सलवार सूट तेरे पापा जी ने मैनू दिया था शादी के अगले दिन तोहफे के तौर पे, जैसे मैंने अपनी मुंह दिखाई की रस्म पे पहना था। तेरे पापा जी चाहते थे कि उनकी बहू भी यही सलवार सूट अपनी मुंह दिखाई पर पहने। कुंजन नू दे देना। कितने चली गई हो? सलवार सूट बीजे नहीं दिए तेरे वास्ते, अगर तू इसे पहनेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। पिंड के लोग आ रहे हैं मुंह दिखाई की रस्म वास्ते। लेकिन मैंने पहले से सूट निकाल रखा है पहनने वास्ते। मेरी तरफ से कोई जोर नहीं है, तो जो चाहे वो पहन सकती है। अगर तू ये पहनेगी तो बीजू में अच्छा लगेगा। वैसे भी है सूट बीजी ने। क्या हुआ? है क्यों है? चूड़े की जैसे होगी?
बहुत दर्द हो रहा है मैनू। अगर तुझे चूड़े की ऐसे इतनी परेशानी हो रही है तो तू निकाल दे इसे, मैं कोई मरहम देखता है इसमें लगाने वास्ते। अब क्या आग लगी है इसे? हेलो, सत श्री अकाल बंसूरी भाभी। सत श्री अकाल समधन जी। समधी जी कैसे हैं आप? पहले से बेहतर है, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब आज बता देंगे तो दो तीन दिन में घर आ जाएंगे वो। चलो अच्छी बात है, रब दा शुक्र है। समधन जी वो आज हम यहाँ गुंजन की मुंह दिखाई करने वाले हैं और उसके बाद उसे पग फेरों के लिए भेजने वाले हैं। थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी कि बलवंत भाई साहब ऐसे अस्पताल में बीमार, लेकिन अभी उनकी सेहत की अच्छी खबर सुन के शांति मिल गई। समधन जी आप तो जानती हैं ना कि पग फेरों की रस्म दे वास्ते लड़की के भाई को उसके ससुराल आना होता है। तो अब आप बलदेव को यहाँ भेज दीजिए, रसम के हिसाब से गुंजन ने अपने मायके ले जाने वास्ते। ठीक है, मैं भेज दूंगी बलदेव को आपके घर। जी शुक्रिया। इनकी तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है, आज शाम तक एक बार और जांच कर लेंगे, अगर रिपोर्ट सब नॉर्मल आई तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी है, आप इन्हें समय पर दे दीजिए। और हाँ, इनके सामने ऐसी कोई बात ना करें जो इन्हें तकलीफ पहुंचा सकती है। जी हम ध्यान रखेंगे, शुक्रिया डॉक्टर साहब। तेरा लख लख शुक्र है। बलदेव पुत्र तू एक काम कर, छेती छेती ना रणवी के घर चला जा, वो पग फेरे की रस्म है ना उसके लिए गुंजनू घर लेके आना है। मैं हूं यहाँ, तू जरा ना जाके आए हैं। केड़ी बात कर रहे हो बीजी, उस धोखेबाज के घर? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं कोई पग फेरे वेरे वास्ते, झूठे विवाह दी झूठी रस्में निभाने का मैंने कोई शौक नहीं है। गुंजन को आना होगा ना, अपने आप आ जाएगी। खैर बाप, मैं तेरे गुस्से को ना समझती हूँ, मैं भी कोई बहुत खुश नहीं हूँ ये जो भी हो रहा है, पर पुत्र इस रिश्ते को तो अब हमें निभाना ही पड़ेगा। गुंजन की शादी उस घर में हो चुकी है, इस बात को हम झुठला नहीं सकते। गुंजन की करतूतों की वजह से लोगों की बातें ना आज तक मेरे कानों में सुई की तरह चुभ रही है। बड़ी मुश्किल से पुत्र सबका मुंह बंद हुआ है, और अगर तू इस रस्म में नहीं गया ना सारे की जमाने खुल जानी है, सबने फिर से बातें करनी शुरू कर देनी है। तू चाहता है ये सब, तैयार है ये सब झेलने के लिए फिर से? और खुत्या अपने पापा जी के बारे में सोच, उनको पता चला कि हमने गुंजन की पगफेरे की रस्म नहीं करवाई तो उनकी हालत तो और खराब हो जानी है ना। उनकी जान बचाने के लिए ना हमें सब करना ही पड़ेगा। हमारी फूटी किस्मत कि जिस लड़की की वजह से हमारी जिंदगी में इतना तूफान आ रखा है ना, वो अभी भी उनके दिल का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। ठीक है बीजी, जिंदा रहे। माता स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।